एटीन पॉइंट सिक्स दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इन क्लास सेवन्थ यू लर्न दैट अ वाटर इज़ द प्रीशियस रिसोर्सेज हमने क्लास सेवन्थ में पढ़ा था कि वाटर क्या है प्रीशियस रिसोर्सेस है थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड द वाटर आप सोचिए कि कहाँ कहाँ वाटर यूज़ होता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने एक स्लाइड दे रखी है आप उसमें से देख सकते हैं वी सॉ डैट वाटर इज बिकमिंग द स्कैसिटी ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो वाटर की कमी क्यों हो रही है बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है एंड द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ तो ये सारे बढ़ने के कारण क्या हो रहा है वाटर पॉल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यू हैव ऑल्सो स्टडीड द हाउ वाटर बिकम्स डॉटी आफ्टर ऑल्टो वी यूज द वॉशिंग क्लोथ्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के कपड़े धोने के लिए इवन बाथिंग एक्सेट्रा आप देखते हैं जो विलेजेस साइड में होते हैं वो जहाँ पे भी मिल जाए चाहे पॉइंट मिल जाए लेक मिल जाए वहाँ पे क्या करते हैं वो कपड़े धोना स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी जो वेस्ट पार्ट है वो सब कहाँ फेंकते हैं वो पानी में फेंक देते हैं और वहीं पे बाथिंग हो रही है इवन ह्यूमंस की भी और एनिमल्स को भी वहीं पहन लाते हैं दिस मीन डैट वी आर एडिंग द सम मटेरियल टू द वाटर इट मीन्स क्या हुआ इन सारी एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है कुछ ना कुछ मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं वाटर में जो कि अनवांटेड है जो रिक्वायर्ड नहीं है वाटर में विथ स्पॉयल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्पेल एंड कलर और क्या कर रहा है ये अगर जो अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस ऐड होने के कारण इसका स्मेल चेंज हो रहा है और कलर चेंज हो रहा है वेन एवर द हार्मफुल सब्सटांसेज सच एज सीवेज या फिर टॉक्सिक केमिकल्स सिल्ट एक्सेट्रा गेट मिक्स विद द वाटर, द वाटर बिकम पोल्यूटेड तो पहला तो ये चीज़ होगी और दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटांसिस या फिर सीवेज से या फिर कोई भी केमिकल्स अगर वाटर में मिक्स हो रहा है तो वो वाटर को क्या बना रहा है पॉल्यूटेड बना रहा है द सब्स्टांसिज दैट पॉल्यूट द वॉटर आर नोन एज वाटर पॉल्यूटेड तो वाटर पॉल्यूटेंट क्या हो गया वैसे अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो वाटर में रिक्वायर्ड नहीं है जो पॉल्यूट कर रहे दैट इज नोन एज वाटर पॉल्यूटेंट अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है एटीन पॉइंट फाइव ट्राई टू कलेक्ट द सैम्पल ऑफ द वाटर फ्रॉम द आप कहाँ से ले लें टैप से ले लीजिए या तो पॉन्ड रिवर या फिर वेल या फिर लेक से ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह से पोर ईच इन टू द सेपरेट ग्लास या कंटेनर अलग अलग कंटेनर में आप उसे कलेक्ट कर लीजिए कंपेयर डीज फॉर द स्मेल एसिडिटी एंड कलर आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है इन सब चीज़ों का स्मेल एसिडिटी एंड कलर नेक्स्ट इज एटीन पॉइंट सेवन हाउ डज वाटर गेट्स पॉल्यूटेड वाटर पॉल्यूटेड कैसे हो रहा है पहला है के स्टडी किस चीज़ का गंगा के बारे में तो देखते हैं गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया तो इंडिया का मेस्ट मोस्ट जो फेमस रिवर है वो क्या है गंगा है फिगर एटीन पॉइंट सेवन ये देखिए कोर्स ऑफ द रिवर गंगा यहाँ पे दिखा हुआ है इट्स सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इंडिया पॉपुलेशन ये क्या कहाँ सस्टेन कर रहा है मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया पॉपुलेशन को मिलियंस ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स इसको मिलियंस गंगा के ऊपर मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंडेंट है फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड के लिए हाउ रिसेंटली अ स्टडी बाई द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डेट इज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द टेन मोस्ट इन लार्ज डेंजर रिवर इन द वर्ल्ड तो एक तरफ से क्या हो गया इन डेंजर्ड रिवर हो गए क्या इन द वर्ल्ड मतलब ये क्या है प्रॉब्लम वाली बात है इस पर क्या है बहुत ज़्यादा क्योंकि लाइवलीहुड पर डिपेंडेंट है और बहुत सारे ह्यूम्स मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंडेंट है द पॉल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर द मेनी ईयर्स पॉल्यूशन लेवल क्या हो रहा है बहुत इंक्रीज़ कर रहा है थ्रो द मेनी ईयर्स कितने सालों से ये बढ़ता आ रहा है जो पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है वी हैव रीच द स्टेज बिकॉज द टाउंस एंड द सिटीज़ थ्रू विच द रिवर फ्लो थ्रो लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ द गारबेज अनट्रीटेड सीवेज या फिर डेड बॉडी एंड द मेनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इंटू द रिवर अब क्या प्रॉब्लम आ रही है अब क्या हो रहा है जो लेवल है वह बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि आप क्या देख रहे हो टाउन एंड सिटीज़ में जो रिवर फ्लो हो रहा है वहाँ पे लोग बहुत सारे मतलब क्वांटिटीज में गार्बेज को थ्रो कर देते हैं या फिर अनट्रीटेड सीवेज को फेंक देते हैं डेड बॉडीज़ या फिर मनी अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को उसमें थ्रो कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है रिवर डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है इन फैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल आर सो हाई डैड द एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव कहीं कहीं क्या है कि एक्टिक लाइफ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रही है क्यों क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि एक्वेटिक लाइफ है बिल्कुल डेड हो रही है वहाँ पे, सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर एक प्लान किया गया था डेट इज़ नोन एज गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड इन नाइनटीन एटी फाइव में लॉन्च किया गया था सो डैट कि गंगा को सेव कर सके इट एम टू रिड्यूज़ द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर तो इसका मेन एम क्या था जो रिवर का जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कम करना हाउ एवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज दिस स्माइटली रिवो बियॉन्ड द रिपेयर अब क्या हो चुका है जो इसका लेवल है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसे रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशियटिव नोन एज अ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा डैट इज एन एम सी जी इन टू थाउजेंड सिक्सटीन तो पहला क्या था गंगा एक्शन प्लान था डैट इज नाइनटीन एटी फाइव में बना था दूसरा प्लान बना है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कब 2016 में लेट अस टेक द स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड सिचुएशन अब इसको सिचुएशन को समझने के लिए एग्जांपल दे रखा है द गंगा एट कानपुर या फिर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ़ द रिवर फिगर एटीन पॉइंट एट में देखिए अ पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ़ द रिवर गंगा कितनी बुरी हालत हो रखी है गंगा की जो कंडीशन है it's very bad kanpur is one of the most polluted town in up up mein sabse zyada polluted town kaun sa ho gaya aapka kanpur up mein sabse zyada affected hai polluted hai people can see bathing washing clothes and defecating in the river. कितने सारे काम कर रहे हैं वो river में They also throw garbage और इतने सारे काम होने के बाद वो गार्बेज भी थ्रो कर रहे हैं फ्लावर्स भी शो आपको थ्रो कर रहे हैं या फिर इवन आर द आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड द गॉडेस एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे पॉलिथिन बैग इनटू द रिवर अब आप देखिए इतनी सारी चीज़ें हो रही है बाथिंग हो रही है वॉशिंग हो रही है थ्रोइंग ऑफ गार्बेज या फिर फ्लावरिंग या फिर जो आइडल्स ऑफ गॉड या फिर गॉडेस हो रही है एंड मेन थिंग इज़ दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटांसेज भी वो कहाँ थ्रो कर रहे हैं रिवर में थ्रो कर रहे हैं तो अब आप देखिए कि कितने जो पॉल्यूटेंट है कितने सारे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली वाटर पॉल्यूशन तो होना ही होना है एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो कानपुर में क्या है अमाउंट ऑफ वाटर क्या है कंपेरेटिवली स्मॉल है और उसका फ्लो कैसा है काफ़ी स्लो है इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर दैन फाइव थाउजेंड इंडस्ट्रीज कानपुर में कितने हैं अप्रॉक्सीमेटली मोर देन फाइव थाउजेंड इंडस्ट्रीज है वहाँ पे दीज इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करते हैं फर्टिलाइजर डिटर्जेंट लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज ये सारी इंडस्ट्रीज भी वो इंक्लूड करते हैं दीज इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज द टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इन टू द रिवर और आप देखिए इतनी सारी इंडस्ट्रीज है तो ये सारे का जो जितने भी केमिकल वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है रिवर में ही जा रहा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन पहला हो गया वॉट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ फोर रिवर के लिए क्या क्या फैक्टर्स है सेकेंड है वट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रीस्टोर द गंगा रिवर गंगा टू द पास्ट ग्लोरी कैसे आप रिस्टोर कर सकते हैं जैसे गंगा पहले थी थर्ड इज हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज एक्सेट्रा एफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर तो ये बोल रहा है कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आप आप देखिए कि कितने सारे फैक्टर्स है कैसे बिकॉज डायरेक्टली आप क्या करते हो कहाँ पे थ्रो कर रहे हो रिवर में थ्रो कर रहे हो जितने भी वेस्ट मटेरियल रहे सेकेंड बोल रहे आप कैसे स्टेप रिस्टोर करने के लिए कैसे आप कौन कौन से स्टेप ले सकते हो तो आप क्या कर सकते हो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है आप उसको ना थ्रो करें बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कभी भी वो डिग्रेड नहीं होते कोई कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से वो नहीं डिग्रेड होते जैसे पॉलिथिन वगैरह कभी नहीं फेंका जाता उसमें बिकॉज इट कैन अफेक्ट्स मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके okay, बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ से मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल इन टू द रिवर एंड स्ट्रीम बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ये सारी केमिकल्स कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं रिवर्स एंड स्ट्रीम में कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर और क्या कॉज करते हैं पॉल्यूशन डेट इज़ वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं फिगर एटीन पॉइंट नाइन इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इं टू अ रिवर आप देखिए कितना बुरा कंडीशन हो रखा है एग्जाम्पल्स आर ऑल रिफाइनरीज एग्जाम्पल क्या हो गया ऑयल रिफाइनरीज पेपर फैक्ट्रीज़ टेक्सटाइल या फिर शुगर मिल्स तो ये सारे क्या फैक्ट्रीज हैं ना जो फैक्ट्रीज की जो वेस्ट है कहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं रिवर में डिस्चार्ज हो रहे हैं चलते हैं नेक्स्ट पेज पर एंड द केमिकल फैक्ट्रीज तो इसमें और कौन ऐड हो गया केमिकल फैक्ट्री सबके वेस्ट जहाँ डिस्चार्ज हो कहाँ पर हो रहे हैं रिवर में दीज इंडस्ट्रीज़ कॉज अ केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर और ये सारी इंडस्ट्रीज क्या कॉज कर रहे हैं केमिकल कंटामिनेशन मीन्स वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं द केमिकल रिलीज इंक्लूड आर्सेनिक कौन कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं आर्सेनिक लेड फ्लोराइड विच लेड टू टॉक्सिसिटी इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स और जो वाटर में जितने भी केमिकल्स आ रहे हैं उन केमिकल्स में से आर्ससेनिक भी है बच्चों लेड भी है फ्लोराइड भी है और ये क्या इफेक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये इफेक्ट करते हैं अब आप कहोगे कैसे जब ये वाटर में गए तो वाटर में क्या है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स भी है तो वो क्या इफेक्ट करेंगे डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर देर आर द रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्ज इन टू द वाटर बट क्वाइट ऑफ़न दिस रूल्स आर नॉट फॉलोड क्या हो रहा है कि एक रूल बनाया गया था कि जितने भी आप वेस्ट प्रोडक्ट या केमिकल्स थ्रो करने से पहले आपको उसको क्या करना है डिस्चार्ज करने से पहले एक रूल बनाया है सो so डैट आप उसे या तो अलग कर सको या जो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना इफ़ेक्ट करेगा या तो प्लांट एंड आन एनिमल को आप उसमें थ्रो नहीं करिए तो पर ये क्या हुआ ये रूल बहुत सारे फैक्ट्रीज़ या बहुत सारे जगह पे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं द सॉइल इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय द इम्प्योर वाटर और सॉयल कैसे इफेक्ट हो रहा है इम्प्योर वाटर है कॉजिंग चेंजेस इन द एसिडिटी जो सॉइल का पी एच है वो चेंज हो रहा है एसिडिटी में चेंज हो रहा है ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं बट जो रूल्स बनाए गए थे वो रूल्स सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वी हैव लर्न इन चैप्टर वन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द वीडीसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ किसके पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स जिससे हम क्या बचाते हैं क्रॉप्स को बचाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स में हेल्प होता है हाउ वेवर ऑल दिस केमिकल डिजॉल्व इन वाटर एंड अ वाश्ड इन टू द वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड तो ये क्या होता है जितने भी हम जो चीज़ें जा डाल रहे हैं पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने के लिए वीडीसाइड वीड्स को किल करने के लिए पर जो भी आपने सॉइल में डाला अगर बारिश हुई या फिर वाटर के थ्रू क्या होता है वो फ्लश ऑफ होके कहाँ जा रहा है फील्ड से वो दोबारा वाटर बॉडीज़ में जा रहा है और वाटर बॉडीज में जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं दे ऑल्सो सीप्स इन टू द ग्राउंड टू पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर यहाँ तो चले गए वाटर बॉडीज में तो चले गए और क्या हो रहा है जो ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होने के चांसेज है और ये इवन हो भी रहे हैं हैव यू सीन अ पॉइंट्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन दैम क्या आपने देखा है जैसे सी क्या होता है जो सीन देखा होगा आपने या फिर पॉइंट्स वगैरह या लेक्स क्या होता है ग्रीन इन कलर दिखता है आपको दूर से पर वो क्या होता है उसमें लॉट्स ऑफ एल्गी है और कुछ नहीं है वो ग्रीन इन कलर क्या है एल्गी है दिस इज कॉज बाई एक्सेसिव क्वान्टिटीज ऑफ द केमिकल्स विच गेट वॉश फ्रॉम द फील्ड और क्या है जो एक्सेसिव केमिकल्स है जो क्या हो गया फील्ड से वॉश ऑफ हो गए हैं दिज एक्ट एज न्यूट्रीन फॉर एलगी टू फ्लरिश और क्या हो रहा है जितने भी जो केमिकल सब्सटांसिस गए हैं वो एल्गी ही उसको एज अ न्यूट्रींस यूज कर रहा है वंस दिज एल्गी ड जब एल्गी मर जाते हैं दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया तो वो किसकी तो किस को सर्व कर रहे फूड लाइक अ बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोज़र है अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन अ वाटर बॉडी गेट यूज अप तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन जो है वाटर में वो यूज अप हो रहा है दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन अब जब ये लोग ही ऑक्सीजन ले लेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या लेंगे ऑक्सीजन क्योंकि वो नॉर्मल एटमोसफेयर से तो ऑक्सीजन ले नहीं रहे वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं डिजोल्व वाटर से तो क्या होगा उनके लिए कमी हो जाएगी और एकवेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म क्या होने लगेंगे किल होने लगेंगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट इज रिकॉल एक्टिविटी एटीन पॉइंट सिक्स में क्या था यू हैड इन्वेस्टिगेटेड द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ योर लोकेलेटी इन क्लास सेवन्थ में हमने देखा था डू यू रिमेंबर हाउ द सीवेज वॉज कलेक्टेड फ्रॉम होम एंड वेयर इट वेंट जो सीवेज है वो कलेक्ट हो के कहाँ ले के जा रहे हैं समटाइम्स अन ट्रीटेड सीवेज इज़ थ्रोन डायरेक्टली इन टू द रिवर कुछ लोग क्या करते हैं जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं रिवर में इट कंटेन फूड वेस्ट बहुत सारी चीज़ें होती है फूड वेस्ट प्रेजेंट है डिटर्जेंट प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एक्सेट्रा तो वो क्या हुआ ये अनट्रीटेड है तो इसलिए सारी चीज़ें प्रेजेंट है इसमें अब कह रहा है कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय सीवेज क्या ग्राउंड वाटर है वो सीवेज से पॉल्यूट हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ तो देखा है ना कि ग्राउंड वाटर भी इफेक्ट हो रहा है केमिकल से इवन पेस्टिसाइड से या फिर साइड से तो अब पूछ रहे हैं क्या जो ग्राउंड वाटर है वो भी इफेक्ट हो रहा है सीवेज से हाउ कैसे वाटर कंटामिनेटेड विथ अ सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया क्या क्या कंटेन कर रहा है बैक्टीरिया वायरस फनजाई एंड पैरासाइड विच कॉजेज डिजीज़ लाइक कॉलेरा अब जब ये इतनी सारी चीज़ें होंगी बैक्टीरिया होंगे वायरस बन जाए पैरासाइड तो ये क्या क्या डिजीज कॉज करेंगे कॉले टाइफॉयड या जॉन्डस एक्सेट्रा द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीकल सब्सटांसिस ऑफ द मैमल्स आर द इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वॉटर इफ़ द वॉटर हैज़ दीज बैक्टीरिया अगर वाटर में ये सारे बैक्टीरिया होंगे इट मीन्स डैट इट हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाई अ फीकल मैटर तो इट मीन्स क्या हो गया ये कैसे कंटामिनेटेड हुए फीकल मैटर से ही कंटामिनेटेड हो रहे हैं इफ़ सच वाटर इज़ used by अस us, अगर वैसा वाटर आप यूज़ करेंगे इट कैन कॉज द वेरियस infection. तो ये क्या कॉज करेंगे आपको वेरियस infection कॉज होने के बहुत सारे chances है जैसे cholera हो गया typhoid हो गया jaundice हो गया डू यू नो हॉट वाटर कैन also बी अ pollutant? जो हॉट वाटर है वो भी क्या है एक तरफ से पॉल्यूटेंट है दिस इज़ यूजुअली द वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट एंड द इंडस्ट्रीज़ क्योंकि ये जो हॉट वाटर आ रही है कहाँ से आ रहा है पावर प्लांट से या फिर इंडस्ट्रीज से इट इज़ रिलीज इन द रिवर ये कहाँ रिलीज़ हो रहा है रिवर में रिलीज़ हो रहे हैं ना इट रेजिज़ द टेम्परेचर ऑफ़ द वाटर बॉडी तो क्या हो रहा है डायरेक्ट रिलीज होने के बाद वाटर बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको क्या कर रहा है रेगुलेट कर रहा है या फिर रेज कर रहा है और रेज होने के क्या कारण क्या होगा एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड द प्लांट लिविंग इन इट और क्या करेंगे टेम्परेचर रेज हो रहा है तो डेफिनेटली एनिमल्स इफ़ेक्ट हो रहे और प्लांट्स इफेक्ट हो रहे बिकॉज उनको उस हाई रेजिंग टेम्परेचर पर रहने की आदत नहीं है तो बच्चों क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट इज 18.8 ये हम करेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें क्या दे रखा है